तो लाइसेंस है तो वो वैलिड है, और वो वैलिड नहीं है तो आप उसको वैलिड क्यों नहीं करा रहे हैं। मेरा नाम केशव भट्ट है और आपसे कुछ बातचीत शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोफेसर ट्रेनिंग को सिलेक्ट करते हैं या उनसे आप ट्रेनिंग लेने के लिए सोचते हैं, कुछ प्लान आप करते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक फिटनेस इन्फॉर्मेशन तो हर एक मेंबर, हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऐसे ट्रेनर्स या काफ़ी ऐसे कोच जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को गलत एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं चल पाते हैं, 2 से 3 महीने 6 महीने तो कर पाते हैं, बाकी लॉन्ग टाइम में रिजल्ट्स नहीं मिलता और काफ़ी मेडिकल कंडीशंस वो लेके चल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए अपने सारे स्टूडेंट्स को, अपने जो भी आपके आपके टीचर्स हैं, तो आपके एक हक है कि आप उनसे पूछ सकते हैं अपने कोच से, अपने ट्रेनर से, कि आप कहाँ से क्वालिफिकेशन हैं आपके पास, आपके पास कोई लाइसेंस है, या आपकी पास जरूरी नहीं कि उनकी फिटनेस, उनका बॉडी देख के आप उनसे इंस्पायर है। देखिए, अगर आपकी बॉडी देख के इंस्पायर हो सके तो वो जो वर्कआउट करते हैं, जो मील प्लान लेते हैं, जो वो डिसिप्लिन के हिसाब से करते हैं, शायद वो आप लोग नहीं कर पाए। मगर एक रैंडमली हर कोई बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है, वो बेसिक ट्रेनिंग करना चाहता है, जनरल फिटनेस ट्रेनिंग करना चाहता है। तो वो बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा कोच हमें क्या करा रहा है, और आप और वो आपको हर एक्सरसाइज के बारे में बताता है कि नहीं बताता है, ये आपको होना चाहिए। तो उसके लिए उससे एक एग्ज़ाम होता है जो रैप्स इंडिया का एग्ज़ाम होता है, जो एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस होना उस कोच के पास, उस ट्रेनर के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लाइसेंस 2 साल का वैलिड होता है, तो हर 2 साल बाद वो कोच या मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर वो हर 2 साल बाद मैं एग्ज़ाम देता हूँ, और जो फिटनेस में चल रहा है या जो एक्सरसाइज बैन हो चुकी है वो पता रहे और ख़ुद भी ना करें और अपने स्टूडेंट्स को भी वो एक्सरसाइज ना परफॉर्म कराए। तो आप उन अपने कोच या अपने ट्रेनर से ये चीज पूछ सकते हैं कि आपके पास वो लाइसेंस है ऐसा, तो लाइसेंस है तो वो वैलिड है, और वो वैलिड नहीं है तो आप उसको वैलिड क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये एज अ पर्सनल ट्रेनर अगर मैं सोचूं तो मुझे ये अपडेट मिलती है हर 2 साल बाद कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, फिटनेस में क्या चल रहा है। और जैसे कोविड आया है, पहले हमें पता नहीं था कि कोविड एक बीमारी नहीं थी, तो हमें अब पता चली कोविड इतनी महामारी बीमारी थी पहले, और अब हमें कोविड के साथ चलना था, हमें सारी चीज़ हमें पता चल रहा है, तो वैक्सीन भी आ चुकी है। तो ऐसे ही हर चीज़ की कुछ अपडेट होती है, जैसे न्यूट्रिशन भी हर 2 साल बाद अपडेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपको वही खाना पूरी ज़िंदगी में खाना है, आप मील अपना न्यूट्रिशन भी वो सिलेक्ट करते हैं जो आप पूरे 12 साल पूरी ज़िंदगी भर खाएँ और अपना आपको फिट रखें। दिस इज़ अ फॉर न्यूट्रिशन, ये नहीं कि आपने फ्रूट्स मील में रख लिया, आपने खाली सलाद खा रहे हैं, आप खाली अनाज को गेहूं को छोड़ दिया, आपने खाली हरी सब्जियां इंटेक कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो मील आपको ऐसा लेना है जो आप रेगुलर अपने लाइफस्टाइल को मिले और जो इजीली आपको मिले, जो अफोर्डेबल हो, तो वो चीज़ आपको अच्छे से मिले और आपकी हेल्थ को अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू, नमस्ते।